हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की लापरवाही इन दिनों साफ तौर पर देखी जा सकती है। रोजाना हजारों की कमाई करने वाली बस को निगम इन दिनों सड़कों पर छोड़कर लोगों को भी आफत में डाल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर पथ परिवहन निगम की डिलक्स बस लाफू घाटी में पिछले एक महीने से शोपीस बनी हुई है। रामपुर डिपो की एसी डिलक्स बस जिसको ठीक करना परिवहन निगम भूल गया है। इससे जहां सरकार को रोजाना कमाई ना करने से घाटा हो रहा है, वहीं इस बस की वजह से लोगों को भी बेहद परेशानी हो रही है। इस जगह पर बर्फ गिरने के बाद कई वाहन टकरा गए हैं और इस बस में भी कई गाड़ियों की टक्कर हो चुकी है, लेकिन अभी तक परिवहन विभाग इसको ठीक करने और यहां से ले जाने की कोई जहमत नहीं उठा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार जनता से टैक्स वसूलती है और जब ये खराब हो जाती है तब भी लोगों को ही इसकी भरपाई करनी पड़ती है, लेकिन विभाग इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि इस बस को यहाँ से वर्कशॉप भेजा जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके। ये बस एक महीने से लगभग यहाँ पे खड़ी है, तो ये प्रशासन की बहुत ज्यादा लापरवाही है। इस बस में हम इसका टैक्स देते हैं, किराया देते हैं, पर फिर भी प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि इस बस की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। हम यहाँ डेली चलने वाले आदमी हैं, तो हम इसको काफ़ी टाइम हो गया, एक महीना हो गया लगभग खड़ी है, इसके बारे में ना कोई सोचता है ना कोई प्रशासन का आदमी यहाँ आया है। अब आगे तो प्रशासन ही जिम्मेवार है इसका। इस बस में चोरी भी हो सकती है, ये देखिए इसके पुर्जे ले जा रहे हैं यहाँ से, कौन ले जा रहा है, कोई इसका कोई वो नहीं है, इसका जिम्मेवार प्रशासन है। ये बाद में हम लोगों से ही रिकवरी होती है, तो हमारी सरकार से ये अपील है कि इस बस को जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाया जाए, इसको रिपेयर किया जाए। हिमाचल पथ परिवहन की बस है जनाब ये, ना कई दिनों से खड़ी यहाँ पे, इस तरह से तो बड़ा मुश्किल है। पथ परिवहन क्या कर रहा है, एक महीना तो हो गया इसको, नीचे पाड़ा जमा हुआ है, छाण बजी है, बुरे हाल है सर। ये है क्या क्या परेशानी होती है? बहुत दिक्कत है जनाब, हम तो हमारा तो डेली आना जाना इसी से, कई तो एक्सीडेंट हो गए, ये देखो ये किसी की गाड़ी बजी है इसमें, इस तरह से तो बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ विभाग की तरफ से या किसी पुलिस वाले की तरफ से इसको थोड़ा ऊपर करते या इसके आस पड़ोस में थोड़ी बर्फ हटा देते, थोड़ी सेफ्टी हो जानी। अभी मैं बचते बचते आया वहाँ से, वहाँ बहुत सारी स्किट हो रही है गाड़ियाँ, बड़े बुरे हाल है जनाब। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ठियोग से सुरेश की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।